एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जिनका यूजीसी नेट नहीं क्लियर वो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में, उन्होंने यूजीसी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली ये अपॉइंटमेंट करनी है, प्लस अपनी कंडीशंस उनकी कुछ हो सकती हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। तो हर हालत में जो एलिजिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन, ये 2018 वाली रेगुलेशन है। हम जानते हैं कि रेगुलेशन 10, 13, 16 एंड 18, और इसमें जो एलिजिबिलिटी बताई गई है जो मेन है, सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स हैं जैसे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अपनी कंडीशन लगा के इनको बढ़ा भी सकती हैं। लेकिन मेन जो एलिजिबिलिटी है वो है यूजीसी नेट क्लियर चाहिए या नहीं। हाँ, यूजीसी नेट अगर पास नहीं है लेकिन और कोई कंडीशन है वो है पीएचडी और एमफिल की। अगर पीएचडी और एमफिल आपने अकॉर्डिंग टू दिस दीज कंडीशंस की हुई है तो आप विदाउट यूजीसी नेट भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहले ये बताया गया है कि नेट और सेलेक्ट और सेट एक स्टेट लेवल का होता है, नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें से क्लियर होना चाहिए। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड पीएचडी इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवार्ड ऑफ एमफिल एंड पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 में जो रेगुलेशन दी गई थी उसके अनुसार आपकी पीएचडी अगर अवार्डेड है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 2009 और 16 के जो रेगुलेशन है उसके अनुसार आपकी पीएचडी होनी चाहिए। देयर एंड देयर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टर्म एज द केस मे बी शैल द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एनी और एनी इक्वलेंट पोजिशन इन यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूट। फॉर कॉलेज में ये पोस्ट निकली है, इट मीन्स अगर आपने इस रेगुलेशन 2009 और रेगुलेशन 2016 और 9 जहां इनके बाद जो अमेंडमेंट हुई है उनके अनुसार अगर पीएचडी की हुई है तो आप एग्जेम्प्टेड हो। आगे क्लियर किया गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट अवार्ड ऑफ डिग्री कैंडिडेट रजिस्टर्ड, आपकी रजिस्ट्रेशन कब हुई है, कंडीशन क्या है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009, इट मींस 11 जुलाई 2009 से पहले, बेशक एक दिन पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी एमफिल या पीएचडी की, बेशक वो कभी भी कंप्लीट हुई है, अवार्ड हुई होनी चाहिए, पहली कंडीशन है कि ये फिर आप एलिजिबल हो। पर वो पीएचडी की फर्दर 4-5 कंडीशंस है, कैसे अवार्ड हुई होनी चाहिए वो भी आपको फुलफिल करनी चाहिए। इट मीन्स जुलाई 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन हुई है तो आप एलिजिबल हो। All such PhD candidates shall exempted from the requirement of net select for the requirement and appointment of assistant professor or equivalent position in university, college or institution subject to fulfill the following condition. Condition number one है कि PhD आपकी regular mode से हुई होनी चाहिए, open या distance की PhD नहीं चाहिए। ठीक, तीन बातें हो गई, एक तो 55% minimum marks, दूसरा net, ठीक है, अगर नेट नहीं है तो पीएचडी आपकी जो है 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्टर्ड हो अगर रजिस्टर्ड है, और वो पीएचडी रेगुलर मोड में हो। नेक्स्ट, रेगुलर मोड, ओके। नेक्स्ट है कि पीएचडी थीसिस हैव बीन अवार्डेड टू एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपका वाइवा, जो वाइवा नहीं, वाइवा तो एक जना लेगा, मिनिमम टू एक्सटर्नल मीन आउट ऑफ यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनर अपॉइंट हुए हो, टू एग्जामिनर की कंडीशन है। नंबर तीन, ओपन पीएचडी वाइवा वो का होना चाहिए, पब्लिक नोटिस लगता है यूनिवर्सिटी में, कोई भी उसको अटेंड कर सकता है, ये यूनिवर्सिटी ने बताना है कि आपका ओपन वाइवा हुआ है कि नहीं। नंबर फोर, आपके टू रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए होने चाहिए पीएचडी के वर्क में से ही
कम से कम एक रेफरीड जर्नल में छपा हुआ होना चाहिए, मीन टू पब्लिकेशन, ठीक है, उनमें से एक रेफरीड जर्नल में, एक बेशक नॉन रेफरीड जर्नल में हो, ठीक है। रेफरीड जर्नल पता होगा आपको कि जिसकी इवेल्युएशन जो है आपके पीयर करते हैं, ब्लाइंड इवेल्युएशन जनरली होती है, डबल ब्लाइंड इवेल्युएशन होती है, इंडेक्स्ड जर्नल की कैटेगरी भी ये होता है। यूजीसी ने रेफरेंस जर्नल को इंडेक्स कैटेगरी और इम्पैक्ट फैक्टर वाली कैटेगरी, पीयर रिव्यू जर्नल इनको कहा जाता है, मिनिमम एक उसमें पब्लिश हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट टू पेपर, प्रेजेंटेड कहां पर, किसी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाई यूजीसी, आईसीएसआर, सीएसआईआर, सिमिलर और सिमिलर एजेंसी, सो टू आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए। तो टोटल कॉन नेट 55% मार्क्स नेट चाहिए, यूजीसी नेट, अगर नहीं है तो पीएचडी, पीएचडी रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले हुई होनी चाहिए, और ये जो पांच कंडीशन है, रेगुलर मोड में दो एक्सटर्नल एग्जामिनर हो, ओपन वाइवा हो, टू पब्लिकेशंस हो, एक रेफरेंस जर्नल में जरूर हो, और एक आपकी जो है सॉरी दो जो है प्रेजेंटेशंस हो, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल है तो आप बिना यूजीसी नेट के भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक बात और जो मिस कर गया हूँ, एमफिल भी इसमें लिखा हुआ है, अब्लीक एमफिल, एमफिल की भी वही कंडीशन है कि वो ये जुलाई 11 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन उसकी हुई होनी चाहिए। अच्छा, और एग्जम्पशन किसको दी गई है यूजीसी रेगुलेशन 2018 में, क्लियरिंग नेट स्लेट और सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट फॉर सच डिसिप्लिन्स, अगर आपका ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा सब्जेक्ट है फॉर विच नेट स्लेट और सेट इज हैव नॉट बीन कंडक्टेड, यूजीसी के कम से कम 90 प्लस सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिनका यूजीसी नेट लेते हैं, अगर उन सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के का यूजीसी नेट या सिलेक्ट टेस्ट ही नहीं होता तो आपको नेट सिलेक्ट की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में जितने ये इस लिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के में शामिल है उन सभी का होता है, दैट इज वाई ये आप पर अप्लाई नहीं होती। मिनिमम 55% मार्क्स आपका पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम है, ये बात है, मिनिमम है, मैक्सिमम इसकी मिनिमम मिनिमम को बढ़ा सकती है कोई भी यूनिवर्सिटी। अगला, रिलैक्सेशन ऑफ 5% अलाउड टू अलाउड एट द बैचलर्स एज वेल एज मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर ब्रैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ एंड डम, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी, लिप्रोसी क्योर्ड, डॉफिनिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी from among person under A and to D including deaf blindness for the purpose of eligibility and assessing good academic record for the direct recruitment, the eligibility of marks 55%, ठीक है, and relaxation of 5% to the categories mentioned above is permissible, वो दी जा सकती है, ठीक, it means ये जो category गिनाई गई है इनको 5% की और रिलैक्सेशन है। ये रिलैक्सेशन 5% शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55 टू 50 मार्क्स टू द पीएचडी डिग्री होल्डर हु हैव ऑब्टेंड देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991, दैट इज ऑल। ये कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं विदाउट नेट आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।